रमजान माह पर रखे जाने वाले रोजे के 23वें रोजा के अवसर पर तकिया पारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराया गया, जिसमें शहर विधायक महापौर और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोजेदारों के बीच पहुंचकर दी शुभकामनाएं और पूरे देश में सुख शांति रहे की मांगी गई दुआएं। रमजान शरीफ के माह पर रखे जाने वाले रोजे के 23वें रोजे के अवसर पर दुर्ग के तकिया पारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में MIC प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल गनी द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन सोमवार की शाम रखा गया, जिसमें दुर्ग के विधायक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, प्रवक्ता नासिर खोकर, ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, रफीक खान विशेष रूप से उपस्थित हुए। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज के वरिष्ठ व दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी के द्वारा शानदार रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शेख अमीर, रज्जाक कुरैशी, जहीर पटेल, यूनिस पटेल, सैयद आबिद अली, अब्दुल सईद कुरैशी, शेख शकील, जाहिद अली तकियापारा सहित शहर भर से बड़ी संख्या में रोजा इफ्तार के आयोजन में लोग शामिल हुए और सभी ने एक साथ रोजा इफ्तार कर मगरिब की नमाज अदा की और नमाज के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया। इसी कड़ी में शहर विधायक अरुण वोरा और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और आज हम सब लोग यहाँ पर रोजा इफ्तार में तकिया पारा पहुँचे हैं। मैं सभी समाज के लोगों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस महीने में जो भी हम अपने मन में कामना करते हैं वह कामना हमारी पूरी होती है। और हम सब ने यह कामना की है कि हमारा छत्तीसगढ़, जो यहाँ की संस्कृति है एकता की, सद्भावना की, भाईचारे की और सर्वधर्म संभाव को मजबूत बनाने की, उस पर हम लोग मजबूती देने का काम यहाँ पर करते हैं। हमने यही कामना की है कि सब खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में आगे बढ़े और इस प्रदेश की तरक्की में हम सब अपनी सहभागिता हमेशा निभाते रहें। ये जो है आज दुर्ग के अंदर में जो अवतार पार्टी रखी गई, इस अवतार पार्टी में सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की और रमजान में जो अवतार पार्टी की जाती है इसमें विशेषकर दूसरे धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो दुआ की जाती है सभी मानव समाज के लिए की जाती है। और मैं ये जो अवतार पार्टी कराए गनी भाई और अल्ताफ भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भविष्य में भी इस तरह की अवतार पार्टी होते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।